बॉलीवुड के जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी अभिनेत्री सारिका 59 साल की हो चुकी है। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर है। सारिका बॉलीवुड इंडस्ट्री की अब तक की सबसे सफल चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन उस समय उनका घर पर अच्छा वक्त नहीं बीतता था। पिता से अलग हुई माँ केवल पैसों के लिए उनसे काम करवाती रहती थी। उनकी माँ का प्रताव बहुत खराब था। एक बार उन्होंने काम के बदले में मिले 1500 रुपए से किताबें खरीद ली थी तो माँ ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। सारिका की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि वरना तो अपना सरनेम जोड़ पाई और ना ही अपने पति कमल हसन का। अभिनेत्री सारिका की मां उनसे केवल पैसों के लिए ही काम करवाती थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने की एवज में मिलने वाले पैसे से उनकी मां ने मुंबई में 5 अपार्टमेंट खरीदे थे। बाद में जब उन्हें पता चला कि इनमें से कोई भी अपार्टमेंट उनके नाम नहीं है तो एक दिन अपनी मां की प्रताड़नाओं से परेशान होकर सारिका ने घर छोड़ दिया था, क्योंकि सारिका का उस समय अपने माँ के अत्याचार से बिल्कुल दिल टूट गया था। वह खुद को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए संघर्ष करने लगी थी। तभी कमल हसन उनके जिंदगी में आए और बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ रहना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्में करना छोड़ दी। सारिका उस दौर में अपना सब कुछ छोड़कर चेन्नई चली गई, जब उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उन्होंने कमल हसन के लिए अपना करियर छोड़ दिया। उन्हीं दिनों कमल हसन की पूर्व पत्नी वाणी से उनका केस चल रहा था। इसमें कमल को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया था। कमल ने खुद के बारे में सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने वाणी को तलाक दिया तो इतनी रकम देनी पड़ गई थी कि उनके पास कुछ नहीं बचा था। ऐसे समय में वो तत्काल सारिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तब सारिका ने कमल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। उस दौर में उनका रिश्ता किसी को स्वीकार्य नहीं था, लिहाजा उस समय वो जब भी कहीं बाहर जाते तो एक होटल में नहीं ठहरते, क्योंकि वे पति पत्नी नहीं थे। यह स्थिति तब भी बनी रही जब सारिका 2 बेटियों की माँ बन गई। सारिका जब बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई तो कई तरह की बातें हुई, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने शादी नहीं की। दोनों ने शादी की लेकिन कमल के साथ रहने के दौरान ही सारिका महसूस करने लगी यह रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है। 1998 में दोनों ने शादी करके अपने रिश्ते पर आधिकारिक मोहर लगाई। फिर कुछ सालों बाद वही शुरू हो गया जिसका सारिका को डर था। कमल उनकी एक सहेली के प्यार में पड़ गए। जब सारिका को यह बात पता चली तो उन्होंने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोट लगी और 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती भी रही। इसके बाद सारिका कमल से अलग अपनी बेटियों के साथ रहने लगी। आखिरकार कमल और सारिका का 2004 में तलाक हो गया। वहीं तलाक के बाद सारिका के साथ उनके दोनों बेटियां श्रुति और अक्षरा ने उनके साथ रहने से मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इस बात से सारिका को काफी ठेस पहुंची थी, जिसके बाद सारिका सड़कों पर आ गई। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।